हजारीबाग SBMCH से मरीज को लेकर रांची रिम्स भर्ती करवाकर लौट रहे इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मरीज के परिजन बनकर पहले एम्बुलेंस को रुकवाया गया, उसके बाद मरीज को लाने के बहाने एम्बुलेंस के ड्राइवर और EMT के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला आपको बता दें कि हजारीबाग के SBMCH से बीते रात बर्न संबंधित मरीज को रिम्स रांची के लिए रेफर किया गया। उसी मरीज को इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस द्वारा रिम्स में एडमिट करवाकर वापस हजारीबाग लाया जा रहा था। इसी दरमियान 14 माइल के समीप कुछ लोगों द्वारा नाटकीय तरीके से एम्बुलेंस को रुकवाया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस वालों से कहा गया कि हाईवे से नीचे मरीज को लेकर आना है, जिसके बाद एम्बुलेंस के चालक और EMT मरीज को लेकर उनके साथ चले गए। इसी दौरान उन लोगों द्वारा दोनों के साथ मारपीट कर पैसे और मोबाइल की छिनताई कर ली गई। इसी दरमियान एम्बुलेंस चालक को धारदार चाकू से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया है। वहीं अभी SBMCH में घायल एम्बुलेंस ड्राइवर का इलाज चल रहा है। इधर एम्बुलेंस चालक और EMT द्वारा अस्पताल में मौजूद पुलिस के समक्ष पूरी जानकारी दी गई है। बात ऐसा है कि हम लोग रात में कल 9 बजे के लगभग में यहाँ से हम लोग SBI शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रिम्स के लिए केस लेके गए थे, बर्न का पेशेंट, ठीक है। रिम्स में हम लोग पेशेंट को ड्रॉप किए और वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के दौरान यहाँ चरी घाटी जो है 14 माइल जंगल में, वहाँ हम लोग को कुछ अज्ञात लोग गाड़ी रोका पेशेंट के बन के। एक आदमी नीचे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, और पेशेंट बन के वो गाड़ी को रोका, जिसके दौरान हम लोग पेशेंट समझ के हम लोग गाड़ी रोके। हम लोग मदद के भावना से भी रुके थे कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम लोग रुके। जब हम लोग नीचे उतरे तो पेशेंट नहीं था, वो फिर हम लोग पर छीना झपट्टी करने लगा, ठीक। तो हम मेरे को वो उसने पकड़ा, दो जन मुझे पकड़ा और दो जन पायलट की तरफ बढ़ गया, दो जन और ऊपर से आ गया, जंगल से दौड़ के दूसरे साइड से पकड़ के, उसी में दौरान हम लोग के साथ मारपीट हुआ है, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, पर्स छीना। और मारपीट के दौरान ही जब हम लोग इधर उधर भागने लगे तो पायलट को दो लोग तीन लोग पकड़ के खींच के जंगल की तरफ किया, उसी के दौरान चाकू से वार किया गया। हमको जानकारी मिला कि उनको लग गया चाकू, इसलिए हम फिर देखने के लिए आए यहाँ पे। देखे तो बात भी सही से नहीं कर पा रहे, और चाकू लगा हुआ है, नाक में भी लगा हुआ, ब्लड आ रहा है नाक से, मुँह से।